हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज मैं ट्रेवल कर रहा हूँ नोएडा एक्सटेंशन और आपको मैं टूर दूंगा नोएडा एक्सटेंशन का एक बार फिर से। और आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा डी मार्ट, जो कि सुनने में आया है मुझे वहाँ पे काफ़ी प्रोडक्ट्स पे 1+1 की डील रहती है। सो आज की वीडियो में मैं आपको एक टूर दूंगा डी मार्ट का, उसके आसपास की लोकेशंस का। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है, लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। एंड विदाउट एनी डिले आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और दिखाता हूँ मैं आपको नोएडा एक्सटेंशन के नियर बाय एरियाज़ और डी मार्ट जो स्टोर ओपन हुआ है उसमें क्या क्या डील्स अवेलेबल हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर, वो भी दिखाऊंगा इसी वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वेलकम टू ग्रेटर नोएडा वेस्ट। ये जो आप लेफ्ट में हाई राइज देख रहे हैं ये गॉड सिटी का 14th एवेन्यू है। सो इसमें काफ़ी फ्लैट्स की पोजीशन ऑलरेडी हो गई है और कुछ फ्लैट्स जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन भी हैं, कुछ टावर इसके जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं अभी और काफ़ी टावर्स की ऑलरेडी पोजीशन हो चुकी है इसकी। ये लेफ्ट में जितना भी आप देख रहे हो ये सारा गॉड सिटी है, इसके काफ़ी एवेन्यूज़ हैं इसके अंदर। अगर आप गॉड सिटी का टूर देखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए गॉड सिटी का पूरा कंप्लीट टूर एक अनदर वीडियो में शूट कर दूंगा आपके लिए। कोशिश करूंगा वीडियो में आपको नियर बाय लोकेशंस भी दिखाने की, क्योंकि डी मार्ट के पास में ही काफ़ी स्कूल्स भी वहां पर ओपन हो चुके हैं, सो मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। जो आप देख रहे हो ये है आर्था SEZ। सो यहाँ पे काफ़ी कंपनीज जो हैं ऑपरेशनल हैं। मैं फाइनली डी मार्ट पहुँच चुका हूँ, गाड़ी पार्क करते हैं और अंदर चलते हैं।
डी मार्ट में कार पार्किंग अंदर ही है और टू व्हीलर पार्किंग भी अंदर ही है। मैंने डी मार्ट से शॉपिंग कर ली है और जैसा सुना था वैसा ही है, काफ़ी प्रोडक्ट्स के ऊपर वन प्लस वन के ऑफ़र हैं। सो ये इसकी अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो जो चार मूर्ति चौक है उससे आप स्ट्रेट आते हैं अगर तो आगे आपको आर्था SEZ पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, उसी के साथ में डी मार्ट की ये बिल्डिंग है और डी मार्ट जो है अभी ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे ऑपरेशनल है। अब मैं आपको इसके नियर बाय की लोकेशन दिखाता हूँ, कौन कौन से स्कूल ओपन हैं, क्या लोकेशन है वो भी दिखाता हूँ आपको। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज डेट है 20 मार्च 2022 और टाइम हो रहा है अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं और धूप देख लो कितनी तेज़ है, सामने सूर्य देवता जी दिखाई दे रहे होंगे आपको। सो धूप काफ़ी तेज है आज। सामने आप जो देख रहे हैं वो रयान इंटरनेशनल स्कूल है नोएडा एक्सटेंशन का। सामने जो है रयान इंटरनेशनल है, मैं यहाँ से राइट ले रहा हूँ, आपको एक दो स्कूल और दिखाता हूँ। ये लेफ्ट में जो आप देख रहे हैं ये पैसिफिक वर्ल्ड स्कूल है। ये लेफ्ट में पूरा पैसिफिक वर्ल्ड स्कूल है। सो काफ़ी बड़े बड़े और इंटरनेशनल स्कूल्स जो हैं ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं नोएडा एक्सटेंशन में, बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ है नोएडा एक्सटेंशन। लेफ्ट में जो आप हाई राइज देख रहे हैं ये है JM फ्लोरेंस। ये लेफ्ट में पूरा JM फ्लोरेंस है। इसी के साथ में है समृद्धि का ग्रैंड एवेन्यू। इन सभी फ्लैट्स की पोजीशन को काफी टाइम हो चुका है, ऑलमोस्ट 1-1 साल से ज्यादा हो चुका है यहाँ पर पोजीशन मिले हुए। ये जो आप देख रहे हैं ये है एक मूर्ति चौक और यहाँ पर भी काफ़ी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो हैं रनिंग हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन अब अभी फुल स्विंग पे है। आप ये जो सामने आप देख रहे हैं ये कमर्शियल है फ्यूज़न का यूथ एरिया और उसी के साथ में है टाउन सेंट्रल जो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। ये है टाउन सेंट्रल, TKS का टाउन सेंट्रल और उसी के साथ में है एपेक्स पार्क स्क्वायर। सो काफ़ी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो हैं ऑलरेडी यहाँ पे चल रहे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और अभी मैं जा रहा हूँ क्रॉसिंग रिपब्लिक वाले कट की तरफ जहाँ पे मैंने आपको पीछे भी दिखाया था गैलेक्सी ब्लू सफायर प्लाज़ा। सो वहाँ से हम राइट लेंगे और क्रॉसिंग रिपब्लिक की तरफ चलेंगे। सामने जो आप देख रहे हैं गैलेक्सी ब्लू सफायर प्लाज़ा है।
गोल चक्कर से हम राइट लेंगे और चलेंगे क्रॉसिंग रिपब्लिक की तरफ। इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।